वेलकम बैक। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे स्टोरी लाइफ इज स्ट्रेंज की। और अब चैनल पर अगर पहली बार आए तो अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं गेम्स की लाइव स्ट्रीम करता हूं, गेम की कट सीन भी अपलोड करता हूं, तो टाइम खराब नहीं करते, शुरू करते हैं। ये कहानी एक लड़की की जिसका नाम है मैक्स, या पूरा नाम कहें तो मैक्सिन कॉलफील्ड, जो रह रही है आर्केडिया बे नाम के एक टाउन में, जिसको अचानक से पता चलता है कि उसके पास है पावर्स जिससे वो टाइम को रिवाइंड कर सकती है, या यूं कहें रिवर्स कर सकती है, जिससे वो अपने एक बचपन की पुरानी दोस्त की हेल्प करती है, एक मर्डर केस को भी सॉल्व करती है और खुद मुसीबत में भी फंस जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी सीन से, जहां मैक्स एक लाइट हाउस पर है और तूफान में फंसी हुई है। वो देखती है कि तूफान आर्केडिया बे की तरफ बढ़ रहा है, तभी सीन चेंज होता है और मैक्स जागती है अपने क्लास में। यहाँ ये पता लगता है कि तूफान वाला सीन असल में एक विजन था, एक सपना था, जो मैक्स इन क्लास में बैठकर देख रही थी। मैक्स अपनी एक सेल्फी लेती है जिसका इस टाइम कोई तुक नहीं बैठता है, पर यही सेल्फी एक दिन मैक्स की जान को बचाएगी। आपको बता दें कि मैक्स फोटोग्राफी स्टूडेंट है, ब्लैकबेल नाम के कॉलेज में पढ़ती है। मैक्स क्लास में और भी लोग हैं, एक आध लोगों के नाम बता देता हूँ जो हमारे काम के हैं। ये है मिस्टर जेफरसन जो फोटोग्राफी के टीचर हैं, ये है विक्टोरिया जो घमंडी है और अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझती है, ये है केट जो कुछ डिप्रेशन में दिखाई दे रही है। मैक्स क्लास से निकल कर जाती है सीधा वॉशरूम में, जहाँ उसको एक ब्लू कलर की तितली दिखाई पड़ती है। अब फोटोग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते मैक्स अपना कैमरा निकालती है और उसकी फोटो लेती है। इस फोटो को भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये फोटो एंड में पूरी स्टोरी को पलट के रख देगी। तभी वहाँ एक लड़का अंदर आता है, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि ये लड़कियों का वॉशरूम है, लड़कों का नहीं। इस लड़के का नाम नेथन है, जो कि मेरे बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जिसको कुछ डिप्रेशन और पैनिक के इश्यूज भी है। इसके बाद एक लड़की अंदर आती है और नेथन को ब्लैकमेल करती है कि वो सबको बता दे कि नेथन पूरे ब्लैकमेल स्कूल में बच्चों को ड्रग्स सप्लाई करता है। इससे नेथन पैनिक हो जाता है और गन निकाल कर उस लड़की को मार देता है। ये सब मैक्स पीछे छुप कर देख रही होती है। इन सबको रोकने के लिए मैक्स अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी एक अजीब चीज होती है, सारा का सारा टाइम रिवाइंड हो जाता है। जो कुछ भी वॉशरूम में हुआ था वो सब रिवर्स हो जाता है। मैक्स अपने आप को फिर से वही क्लासरूम में पाती जहाँ वो थी। मैक्स खुद भी हैरान होती है कि वो अभी वॉशरूम में थी और फिर से क्लास में आ गई है। क्लास में सब कुछ वैसे ही रिपीट होता है जैसा पहले हुआ था, यानी वो वॉशरूम वाली एक्सीडेंट भी रिपीट होगा। तो मैक्स उस लड़की को बचाने के लिए फटाफट वॉशरूम में पहुंचती है और फिर से तितली का फोटो लेती है और वेट करती है नेथन के और उस लड़की के अंदर आने का। इधर मैक्स गोली चलाने से पहले ही फायर का अलार्म बजा देती है, जिससे पूरे स्कूल में भागा दौड़ी मच जाती है और वो लड़की बचकर निकल जाती है। मैक्स प्रिंसिपल को नेथन के बारे में बताती है, पर क्योंकि नेथन मेरे बाप की औलाद है और नेथन के डैड स्कूल को काफी डोनेशन देते हैं, प्रिंसिपल मैक्स की बात पर कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। एक बात और, स्कूल में एक लड़की रेचल एम्बर लापता है, जगह जगह पर उसके मिसिंग के पोस्टर्स लगे हैं। रेचल का क्या हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। मैक्स स्कूल से बाहर निकलते और देखते कि सिक्योरिटी का हेड डेविड उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम केट है उससे पूछताछ कर रहा है। मैक्स बीच में जाकर बहसबाजी करती है और केट को बचा लेती है। आगे मैक्स अपने दोस्त से मिलती है और कुछ गप्पे मार रही होती, तभी वहाँ नेथन आ जाता है और उसका मूड बहुत खराब होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैक्स ने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत की है। नेथन हाथापाई शुरू कर देता है, तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें वही वॉशरूम वाली लड़की होती है जिसे नेथन बंदूक दिखा रहा था। यहाँ ये रिवील होता है कि वॉशरूम वाली लड़की असल में मैक्स की बचपन की दोस्त थी, जो 5 साल से पता नहीं कहाँ थी। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि इसको मैक्स ने वॉशरूम में क्यों नहीं पहचाना। खैर छोड़ो, तो इस लड़की का नाम क्लोई है और वो अपनी कार में मैक्स को लेकर वहां से भाग जाती है। आगे क्लोई का मूड कुछ खराब होता है, क्योंकि 1 महीने से मैक्स आर्केडिया बे में है और उसने क्लोई को कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं किया। असल में मैक्स 5 साल पहले सिएटल में शिफ्ट हो गई थी और वो वापस आर्केडिया बे आई है अपनी फोटोग्राफी की डिग्री करने। मैक्स क्लोई के साथ उसके घर जाती है। यहाँ एक बात और पता लगती है कि क्लोई के डैड अब दुनिया में नहीं है और उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली है। मैक्स और क्लोई के घर में लापता हुई लड़की रेचल एम्बर के पोस्टर मिलते हैं। क्लोई बताती है कि रेचल उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और डैड की मौत के बाद रेचल ने उसको काफी सपोर्ट किया था, पर 6 महीने से वो आर्केडिया बे से लापता है बिना किसी को कुछ बताए। क्लोई को पक्का यकीन है कि रेचल के साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि अगर वो आर्केडिया बे से जाती तो उसे जरूर बताती, और रेचल एम्बर की वो मिसिंग वाले पोस्टर क्लोई ने सब जगह लगाए थे। इसके बाद वो दोनों मस्ती और हल्ला गुल्ला करते हैं, तभी वहाँ क्लोई के स्टेप डैड या हिंदी में कहें तो सौतेला बाप आ जाता है। क्लोई मैक्स को अलमारी में छुपा देती है। अब ये पता चलता है कि क्लोई का स्टेप डैड स्कूल का सिक्योरिटी है डेविड ही है। डेविड का मूड खराब होता है, क्योंकि एक तो उसकी गन नहीं मिल रही, दूसरा क्लोई वहाँ गांजा फूंक रही थी, तीसरा वो डेविड से बहस करने लगती है। इन सब का अंजाम यह होता है कि डेविड क्लोई एक चमाटा लगाता है और चला जाता है। इसके बाद मैक्स और क्लोई दोनों मूड फ्रेश करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और जा पहुंचते हैं उसी लाइट हाउस के पास जहां मैक्स ने वो विजन देखा था। अब मैक्स को फिर से वही विजन दिखाई देता है। ये विजन का सिलसिला स्टोरी में आगे भी चलता रहता है। मैक्स विजन से बाहर आती है और क्लोई को अपने तूफानी विजन और अपने टाइम रिवाइंड करने की पावर के बारे में बताती है कि कैसे उसने वॉशरूम में टाइम को रिवाइंड करके उसकी जान बचाई। क्लोई को लगता है कि मैक्स का दिमाग घूम गया है। भाई अगर मैं भी क्लोई की जगह होता
तो मैं भी यही सोचता। तभी वहाँ भरे दोपहर में समुद्र किनारे बर्फ गिरने लगती है। इसको देखकर क्लोई को मैक्स की टाइम रिवाइंड वाली बात पर कुछ कुछ यकीन होने लगता है। अगले दिन मैक्स हॉस्टल के वॉशरूम में नहा रही होती है, वहाँ पर केट भी होती है। तभी विक्टोरिया अंदर आती है और केट की किसी वीडियो को लेकर उसको ब्लैकमेल करती है। ये सब मैक्स अंदर चुप कर सुन रही होती है। असल में बात यह है कि केट किसी पार्टी में गई थी जहाँ किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसके बाद केट ने उलझुल हरकतें शुरू कर दी और किसी ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इसी वजह से केट डिप्रेशन में है। क्लोई की मम्मी जॉयस एक रेस्टोरेंट चलाती है। उसी रेस्टोरेंट पर क्लोई और मैक्स मिलते हैं। वहाँ मैक्स कुछ टाइम रिवर्स की ट्रिक्स दिखाकर क्लोई को अपनी पावर्स का यकीन दिला देती है। फिर दोनों जाते हैं जंकयार्ड में। तभी वहाँ फ्रैंक आता है। फ्रैंक असल में एक ड्रग डीलर है जो नशे का सामान बेचता है। वो क्लोई को धमकाता है कि बचे हुए पैसे जल्द से जल्द वापस करे। और एक मजे की बात है कि फ्रैंक के हाथ में रेचल लैम्बर का ब्रेसलेट भी होता है, जिसे देखकर क्लोई खोपड़ी में आग लग जाती है। फ्रैंक बताता है कि यह उसे उसकी किसी दोस्त ने दिया है। अब क्लोई प्लान करती कि वो पता लगा कर रहेगी वो ब्रेसलेट आखिर फ्रैंक के पास आया कैसे। आगे क्लोई का पैर रेलगाड़ी की पटरी फंस जाता है। यहाँ भी मैक्स अपनी पावर्स का यूज करके क्लोई की जान को बचा लेती है, मतलब दूसरी बार उसकी जान बचाती है। इसके बाद मैक्स स्कूल पहुंचती है, जहाँ पर केट छत पर चढ़ी होती है और कूद कर सुसाइड करने वाली होती है। शायद उसकी वायरल वीडियो की वजह से वो डिप्रेशन कुछ ज्यादा ही हो गया। मैक्स अपनी पावर से टाइम को रिवाइंड करती है, पर उसकी पावर्स कुछ काम नहीं करती, या यूं कहें कुछ अलग ढंग से ही काम करने लगती है। टाइम रिवाइंड की जगह टाइम फ्रीज हो जाता है। मैक्स की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। शायद मैक्स अपनी पावर्स का हद से ज्यादा ही यूज कर रही है। मैक्स गिरती पड़ती जैसे तैसे करके छत पर पहुंचती है और उसको सुसाइड करने से रोक लेती है। रात को क्लोई और मैक्स निकल पड़ते हैं स्कूल में रेचल के सबूतों को ढूंढने। वो रस्ते में देखते हैं कि विक्टोरिया मिस्टर जेफरसन को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, पर जेफरसन वहां से निकल लेता है। इससे पता लगता है कि विक्टोरिया सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। तो मैक्स और क्लोई को ऑफिस में सर्च करके पता लगता है कि नेथन ने रेचल पर स्कूल में ड्रग्स बेचने का इल्जाम लगाया था, और डेविड और नेथन दोनों रेचल की जासूसी किया करते थे। मैक्स क्लोई के घर जाकर डेविड का लैपटॉप चेक करती है और पता लगता है कि डेविड रेचल और केट पर नजर रखे हुए था, और हाँ मैक्स पर भी। अब जैसा कि क्लोई को पता लगाना था कि रेचल का ब्रेसलेट आखिर ड्रग डीलर फ्रैंक के पास आया कैसे, तो क्लोई मैक्स के साथ पहुंच जाती है फ्रैंक की आरवी पे। मैक्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फ्रैंक की आरवी की चाबी चुरा लेती है, और आरवी में क्लोई को रेचल की कुछ फुटेज मिलती है जिसमें वो फ्रैंक के साथ है, और कुछ और भी गर्मा गर्म फोटो मिलते हैं, कुछ लव लेटर भी मिलते हैं, जिसे देखकर क्लोई का मूड खराब हो जाता है। वो कहती है अगर उसके डैड की मौत नहीं हुई होती तो आज उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती। असल में क्लोई के डैड उस दिन कार को लेकर क्लोई की मम्मी को लेने गए थे और कार एक्सीडेंट में ही उनकी मौत हो जाती है। मैक्स अपनी हॉस्टल पहुंचती है और क्लोई के साथ अपने बचपन की फोटो को देखकर उन पुराने दिनों को याद करती है जब क्लोई के डैड जिंदा थे। तभी मैक्स को अपनी पावर के बारे में पता चलता है कि वो किसी फोटो के थ्रू भी उस टाइम में जा सकती है जिस टाइम का वो फोटो है, यानी जिस टाइम में फोटो लिया गया है, और उस फोटो वाली जगह में चीजों को चेंज भी कर सकती है। तो मैक्स पहुंच जाती है अपने 13 साल के बचपन, मतलब जब वो फोटो ली गई थी वही टाइम था जब क्लोई के पापा क्लोई की मम्मी जॉयस को लेने के लिए कार लेकर बाहर गए थे। और मैक्स दिमाग लगाती है और कार की चाबी को बाहर फेंक देती है ताकि ना क्लोई के डैड बाहर जाएंगे कार लेकर और ना ही उनकी मौत होगी। तो मैक्स के इस कारनामे से पूरा फ्यूचर ही बदल जाता है, क्योंकि क्लोई के डैड मरते नहीं है तो डेविड भी जॉयस के साथ नहीं होता, स्कूल में बस ड्राइवर होता है। क्लोई एक बिगड़ी हुई सस्ते नशे करने वाली लड़की नहीं बनती, बल्कि एक अच्छी लड़की बनती है। क्लोई की बर्थडे पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बल्कि उसको कार गिफ्ट में मिलती है। तो मैक्स फटाफट क्लोई के घर पहुंचती है उसे मिलने के लिए, ये देखने के लिए कि अब तो क्लोई के डैड जिंदा होंगे और क्लोई एक अच्छी लाइफ जी रही होगी। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। क्लोई व्हीलचेयर पर होती है, क्योंकि जो कार क्लोई के डैड ने उसे गिफ्ट में दी थी उसी कार से क्लोई का एक्सीडेंट हो जाता है। वो अब ना ही खड़ी हो सकती है, ना ही चल सकती है, ना ही कुछ कर सकती है। क्लोई बताती है कि उसके इलाज की वजह से उसके पेरेंट्स कर्जे में डूबते जा रहे हैं, जबकि वो ठीक हो ही नहीं सकती। मैक्स को यह भी पता चलता है कि क्लोई के पेरेंट्स ने उसके इलाज के लिए अपने घर तक गिरवी रख दिया है। मैक्स और क्लोई अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए पुरानी फोटो एल्बम निकालते हैं। यहाँ पर क्लोई अपना असली दर्द बताती है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम धीरे धीरे फेल हो रहा है और उसको मरने से बचाया नहीं जा सकता। जितने दिन तक वो जिंदा रहेगी उतने दिन उसके पेरेंट्स भी दुखी रहेंगे। क्लोई मैक्स को उसके फ्रेंडशिप के लिए थैंक्स कहती है और ऑक्सीजन के लेवल को हाई कर देने को कहती है ताकि ऑक्सीजन के ओवरडोज से क्लोई की डेथ हो जाए। बड़ा ही दर्द भरा सीन था। जिस दोस्त के लिए आपने सारे टाइम को चेंज कर दिया उसको अपने हाथों से ही मारना पड़ रहा है। तो क्लोई ऑक्सीजन को फुल कर देती है और अपने बेस्ट फ्रेंड के दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। घबराई मत, कहानियां खत्म नहीं होती है। मैक्स एल्बम से दोबारा वही फोटो उठाती है जब वो 13 साल की थी और अपनी पावर्स का यूज करके पहुंच जाती है फोटो वाले टाइम में। लेकिन इस बार वो कार की चाबी को नहीं फेंकती और बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि वो अपनी पावर्स के होते हुए भी क्लोई की कोई मदद नहीं कर सकती। तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि हुआ था। क्लोई के पापा कार को लेकर चले जाते हैं और एक्सीडेंट में मर जाते हैं, और फाइनली हमारी क्लोई बिल्कुल ठीक ठाक होती है, न कि व्हील चेयर पर। ये देखकर मैक्स बहुत खुश होती है और इस तरह मैक्स एक बार फिर क्लोई को मरने से बचाती है, मतलब
तीसरी बार। तो मैक्स और क्लोई सबूतों की तलाश में जाते हैं नेथन के कमरे पर। वहां उसको मिलता है एक फोन, एक डायरी। पर तभी वहां नेथन आ जाता है और हल्ला करने लगता है। तभी वो मैक्स का दोस्त वॉरन भी आ जाता है और नेथन को प्रसाद देता है। प्रसाद के असर से नेथन ढेर हो जाता है और क्लोई, मैक्स, वॉरन तीनों वहां से निकल कर भाग लेते हैं। उसके बाद क्लोई और मैक्स फ्रैंक के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो रेचल को ढूंढने के लिए उसकी ड्रग्स वाली क्लाइंट्स की लिस्ट चाहते हैं। रेचल का नाम सुनकर फ्रैंक अपने क्लाइंट्स की लिस्ट दे देता है क्योंकि वो रेचल से बहुत प्यार करता था। तो इधर उधर सब जगह से सबूतों को मिलाकर उनको एक तवेले की लोकेशन मिलती है जिसके मालिक हैं प्रेस्कॉट्स। यानी इस तवेले का कनेक्शन भी नेथन प्रेस्कॉट से ही है। आगे दिखाई पड़ता है कि आर्केडिया बे के बीच पर वेल्स भी मर रही है जो कि काफी अजीब है। फाइनली मैक्स और क्लोई तवेले में पहुंचते हैं जहां उनको मिलता है एक सीक्रेट तहखाना। जहां तलाश करने पर उनको मिलती है बहुत सारी फाइल्स जिन पर लड़कियों के नाम लिखे हैं। यहाँ पर रेचल, केट और विक्टोरिया के नाम की फाइल्स भी हैं। केट की फाइल में केट की फोटो थी जिसमें वो बेहोश थी। रेचल के फोल्डर में रेचल की फोटोज थी जिसमें वो डेड बॉडी की तरह बेहोश पड़ी थी। जिस जगह रेचल की फोटो ली गई थी वो जगह थी जंकयार्ड। तो दोनों जंकयार्ड के लिए निकल पड़ते हैं और हाँ, विक्टोरिया का फोल्डर खाली था। इसका मतलब अब अगला नंबर विक्टोरिया का है। जंकयार्ड में फोटो वाली लोकेशन पर पहुंच कर वो खुदाई शुरू करते हैं जहां उनको मिलती है रेचल की डेड बॉडी। और इसका सीधा मतलब ये है कि रेचल की मौत के पीछे नेथन का हाथ है। मैक्स और क्लोई दोनों पहुंच जाते हैं वोटेक्स क्लब की पार्टी में जहां पर कॉलेज के कॉन्टेस्ट के विनर का नाम भी अनाउंस किया जाएगा और नेथन प्रेस्कॉट भी वहां पक्का आएगा। बीच पर मुरही वेल्स के बाद अब आर्केडिया बे में दो चांद भी दिखाई पड़ने लगते हैं। इन अजीब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो दुनिया का अंत होने वाला है। यहां पर मैक्स का दोस्त वॉरन भी मिलता है और मैक्स के साथ एक सेल्फी लेता है। ये सेल्फी आगे जाकर स्टोरी में बहुत बड़ा काम करने वाली है। खैर छोड़ो, मैक्स क्लोई पार्टी में घुसते हैं जहां मिस्टर जेफरसन विक्टोरिया को कॉन्टेस्ट का विनर घोषित करते हैं। यानी विक्टोरिया के हुस्न का जादू जेफरसन पर चल ही गया। आगे क्लोई के फोन पर नेथन का मैसेज आता है कि वह सारे सबूत मिटा देगा। ये मैसेज देखते ही मैक्स और क्लोई दोनों फटाफट जंकयार्ड के लिए निकल पड़ते हैं कि कहीं नेथन रेचल की बॉडी, मेरा मतलब रेचल की डेड बॉडी को गायब न कर दे। अब वो जंकयार्ड पहुंचते हैं तो बॉडी का तो कुछ नहीं बिगड़ा होता, पर उन दोनों का जोड़ बिगड़ जाता है क्योंकि पीछे से आकर कोई मैक्स की गर्दन पर बेहोशी का इंजेक्शन ठोक देता है और क्लोई को गोली मार देता है। इंजेक्शन की वजह से मैक्स अपने पावर्स का यूज भी नहीं कर पाती। जब मैक्स को होश आता है तो अपने को पाती है उसी सड़े तवेले के सीक्रेट तहखाने में जहां पर उसको चेयर से बांध रखा है। यहां पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि ब्लैकवेल स्कूल से जो लड़कियां गायब हो रही थी वो कमाल था मिस्टर जेफरसन का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मिस्टर जेफरसन का। असल में जेफरसन एक मेंटल पागल सीरियल किलर था जो लड़कियों को नशे का अवॉर्ड दे देकर उनकी अधमरी हालत में फोटो खींचता था। और जेफरसन उस्ताद का एक चेला भी था, वही अपना नेथन प्रेस्कॉट। और ये तवेले का अंडरग्राउंड तहखाना जहां जेफरसन अपने काले कारनामों को अंजाम देता था, जहां मैक्स अभी कैद है, ये भी नेथन प्रेस्कॉट के पैसों का ही बना है। जेफरसन बताता है कि उसने ही नेथन के फोन से क्लोई को मैसेज किया था ताकि क्लोई और मैक्स जंकयार्ड आ जाए। जेफरसन बताता है कि नेथन ने उसकी जैसी फोटोग्राफी करने के लिए रेचल को नशे का इंजेक्शन दिया था, पर डोज की मात्रा कुछ ज्यादा हो गई थी जिस वजह से रेचल की मौत हो गई थी। जेफरसन ये भी बताता है कि क्लोई को नेथन ने गोली मार दी, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते ही हैं। और जेफरसन ने नेथन को भी मारकर जमीन में गाड़ दिया है क्योंकि वो रेचल के मर्डर के सारे सबूत मिटा देना चाहता है। वैसे जेफरसन शक्ल से इतना हरामी लगता तो नहीं है, खैर छोड़िए। तो जेफरसन की बकबक खत्म होती है और मैक्स अपनी खोपड़ी लगाकर जेफरसन से अपनी डायरी मांगती है और जेफरसन वो डायरी मैक्स के सामने जमीन पर फेंक देता है। किस्मत से डायरी में मैक्स की सेल्फी वाला पेज खुलता है जो उस स्टोरी की शुरुआत में ली थी। उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। बस फिर क्या था, मैक्स अपनी पावर से उस फोटो के टाइम में पहुंच जाती है जहां से हमारी स्टोरी शुरू हुई थी और वही क्लासरूम से एक सीधा मैसेज डालती है क्लोई के सौतेले डैड डेविड को, जो कि स्कूल की सिक्योरिटी का हेड है। साथ ही उस सड़े तवेले के सीक्रेट अंडरग्राउंड अड्डे की लोकेशन, जेफरसन के काले कारनामों की इंफॉर्मेशन भी भेज देती है। इसके साथ फिर से मैक्स के नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। शायद मैक्स अपनी पावर को बहुत ज्यादा यूज कर रही है। अब मैक्स पास्ट में है तो मैक्स वो करती है जो वो पहले नहीं कर पाई थी, जैसे कि विक्टोरिया को पेलना, क्योंकि वो केट की वीडियो को वायरल कर रही थी। स्कूल में हो रहे एवरीडे हीरो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, जिसके लिए अपनी एक फोटो जेफरसन को देती है, क्योंकि मैक्स कॉन्टेस्ट जीतेगी और जाएगी सैन फ्रांसिस्को। ऐसा इसीलिए क्योंकि जेफरसन की सारी इन्फॉर्मेशन मैक्स एंड डेविड को मैसेज करती है और जेफरसन जेल जाएगा और बिना जेफरसन के विक्टोरिया का जुगाड़ काम नहीं करेगा। तो फ्यूचर चेंज हो जाता है, जेफरसन जेल जाता है, रेचल की डेड बॉडी पुलिस के जंकयार्ड में मिल जाती है, क्लोई की डेथ भी नहीं होती। तो मैक्स ने क्लोई को एक बार फिर से बचा लिया, मतलब चौथी बार। मैक्स कॉन्टेस्ट जीत जाती है और निकल पड़ती है सैन फ्रांसिस्को के लिए। लेकिन मैक्स की नाक से एक बार बार ब्लीडिंग होती रहती है। शायद मैक्स जो टाइम के साथ बार बार छेड़छाड़ कर रही है उसी से उसकी बॉडी भी डैमेज हो रही है। इसके बाद मैक्स पहुंचते हैं सैन फ्रांसिस्को में हो रहे एग्जीबिशन में, जहां उसकी कॉन्टेस्ट वाली फोटो दीवार पर है, लोग उसे देख रहे हैं। तब उसकी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और तूफान वाले विचार दिखाई देने लगते हैं। मैक्स अपने फोन चेक करती है, उसमें क्लोई की मिस कॉल होती है। मैक्स क्लोई को कॉल बैक करती है तो पता चलता है कि आर्केडिया बे में सच में तूफान आ गया है, ठीक वैसा ही जैसा कि मैक्स अपने विजन में देखती थी।
क्लोई बीच पर फंसी हुई है और उसकी जान खतरे में है। तो एक बार फिर मैक्स क्लोई की जान बचाने के लिए निकल पड़ती है। टाइम में वापस जाने के लिए यूज करती है अपनी एग्जीबिशन वाली फोटो का। यह वही फोटो जिसकी वजह से मैक्स ने स्कूल का कॉन्टेस्ट जीता था। तो मैक्स पहुंच जाती है उस फोटो के टाइम में। अब मैक्स को कुछ ऐसा करना था जिससे वो तूफान के टाइम क्लोई के साथ आर्केडिया बे में ही हो, ना कि सैन फ्रांसिस्को में। तो मैक्स अपनी कॉन्टेस्ट वाली फोटो को ही फाड़ देती है क्योंकि इसी फोटो की वजह से उसने कॉन्टेस्ट जीता था और सैन फ्रांसिस्को गई थी। फोटो के फटते ही फ्यूचर चेंज हो जाता है और मैक्स अपने आप को पाती फिर से उसी सड़े तबेले के सीक्रेट तहखाने में, जहां उसके सामने खड़ा है मिस्टर जेफरसन। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, तो सुनिए। जब मैक्स ने अपनी कॉन्टेस्ट वाली फोटो फाड़ी तो मिस्टर जेफरसन की नजरों में मैक्स की इमेज कुछ खराब हो गई थी, जिस वजह से मैक्स को किडनैप करने के बाद जेफरसन ने उसकी डायरी जला दी। अरे वही डायरी जिसकी मदद से मैक्स क्लासरूम में पहुंची थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि जेफरसन को ये कैसे पता लगा कि मैक्स ने अपनी फोटो फाड़ दी है। खैर छोड़ो, स्टोरी में वापस आते हैं। तो जेफरसन मैक्स को नशे का इंजेक्शन फिर से लगाने वाला होता है, तभी वहाँ डेविड आ जाता है। वही डेविड जो स्कूल सिक्योरिटी का हेड है, क्लोई का सौतेला बाप है, वगैरह वगैरह। डेविड के कुछ लात घूसे खाने के बाद जेफरसन धूल चाटता नजर आता है। तो यहाँ पता लगता है कि डेविड कोई बुरा इंसान नहीं था, वो असल में स्कूल में गायब होती लड़कियों का पता लगाने की जासूसी किया करता था। अब मैक्स को टाइम में वापस जाना है, उसके लिए उसके पास कोई फोटो तो चाहिए, पर उसकी सारी फोटो जेफरसन ने जला दी है। तो मैक्स निकल पड़ती है भरे तूफान में अपने दोस्त वॉरेन के पास, जिसके पास है एक पास्ट का फोटो। अरे भूल गई क्या, वही जब दो चांद दिखाई पड़ रहे थे। तो वॉरेन मिलता है जॉयस के रेस्टोरेंट में, जहाँ तूफान से बचने के लिए और भी लोग छुप रखे थे। यहाँ पर मैक्स वॉरेन से अपनी पावर का डिस्कशन करती है और मैक्स को ये पता लगता है कि इस तूफान की वजह मैक्स खुद ही है, क्योंकि आर्केडिया बे में सारी अजीब सी अजीब चीजें, जैसे दो चांद दिखना, मरी हुई वेल्स का दिखना, बर्फ गिरना, और हाँ वो तूफान भी जो अब आ चुका है, क्योंकि ये सब आर्केडिया बे में उसी दिन से हो रहा है जब मैक्स ने अपनी पावर का यूज पहली बार किया था। मैक्स ने टाइम को बार बार रिवाइंड करके टाइम स्पेस में कैसा चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दी है, जिस वजह से नेचर का एनवायरनमेंट का बैलेंस खराब हो गया, जिसका रिजल्ट है ये तूफान। तो वॉरेन मैक्स को वो पार्टी से पहले ली गई दो चांद वाली फोटो दिखाता है और मैक्स उसे यूज करके पहुंच जाती है फोटो वाले टाइम में, ठीक पार्टी में घुसने से पहले। जब वो पार्टी में नेदन को ढूंढने वाले होते हैं तो मैक्स क्लोई को पार्टी में जाने से रोक देती है और सारी फ्यूचर की कहानी बताती है कि जेफरसन ही रिचर्ड का किलर है जो नेथन, विक्टोरिया और क्लोई को भी मार देगा। मैक्स को किडनैप करके नशे के इंजेक्शन दे देगी, उसकी उटपटांग फोटो खींचेगा। तो वो दोनों पार्टी में नहीं घुसते हैं, जिससे फ्यूचर चेंज हो जाता है और क्लोई की डेथ नहीं होती। इसकी जगह क्लोई और मैक्स दोनों डेविड को जेफरसन की सच्चाई बता देते हैं। जेफरसन के तबेले वाले सीक्रेट अड्डे पर पुलिस छापा मारकर उसे पकड़ लेती है और फाइनली मैक्स आ जाती है क्लोई के साथ तूफान के बीच, जैसा कि वो चाहती ही थी कि जब आर्केडिया बे में तूफान हो तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लोई के साथ हो उसकी हेल्प के लिए। तो मैक्स बहुत खुश होती है क्योंकि उसने क्लोई को बचाने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत की है। न जाने कितनी बार टाइम को ट्रेवल किया है, कितनी बार टाइम को रिवाइंड किया है, और इस बार भी उसने क्लोई को बचा ही दिया। पर एक सच्चाई ये भी है कि जो तूफान मैक्स को विजन में दिखाई देता था वो अब हकीकत में आ चुका है। तो मैक्स और क्लोई दोनों पहुंच जाते हैं लाइट हाउस पर। लाइट हाउस पर पहुंचकर मैक्स देखते हैं कि कैसे उसकी पावर्स की वजह से पूरा आर्केडिया बे तूफान में खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जिस वजह से मैक्स बहुत दुखी होती है। लेकिन क्लोई से बताती है कि उसकी पावर्स की वजह से ही आज वो जिंदा है, उसकी पावर्स की वजह से ही आज उसने रेचल के किलर को पकड़ा है। क्लोई फोटो निकालकर मैक्स को देती है और कहती है कि इस फोटो का इस्तेमाल करके मैक्स उस टाइम में पहुंच जाएगी जहां ये सब शुरू हुआ था, जहां मैक्स ने पहली बार रिंग पावर का यूज किया था। जी हां, वही स्कूल के गर्ल्स वाले वॉशरूम में। अगर आप भूले ना हो तो वही नीली तितली वाली फोटो है। जी हां, वही। क्लोई मैक्स को थैंक्स कहती है कि कैसे मैक्स ने हर बार उसकी जान बचाई जबकि उसके लायक नहीं थी। उसकी एक माँ है जॉयस, जो दिन रात कितनी मेहनत करती है और वॉश तूफान में मर जाएगी। उसका एक सौतेला डैड डेविड है, जो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो आर्केडिया बे में हैं, जिनकी जिंदगी उसकी जिंदगी से कहीं ज्यादा जरूरी है, पर आज वो सब लोग तूफान में मर जाएंगे। क्लोई मैक्स को समझाती है कि शायद उसकी किस्मत में मरना ही लिखा है, क्योंकि न जाने कितनी बार क्लोई मर चुकी है, पर बार बार मैक्स ने अपनी पावर्स का यूज करके उसको बचाया है। और मैक्स को अपनी पावर्स के बारे में पहली बार तब पता चला था जब उसने क्लोई की जान पहली बार बचाई थी। पर शायद अब टाइम आ चुका है कि क्लोई अपने किस्मत को स्वीकार कर ले। तो क्लोई और मैक्स आखिर बार गले मिलते हैं। मैक्स फोटो में देखती है और पहुंच जाती है फोटो वाले टाइम में। मैक्स जानती है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था और मैक्स को वो नहीं करना है जो उसने किया था। जी हाँ, उसे वो पावर्स यूज नहीं करनी है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के मर जाने का वेट करना है। मैक्स दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ होने का वेट करती है। नेथन अंदर आता है कि पीछे क्लोई अंदर आती है। दोनों में बहस होती है और नेथन क्लोई को गोली मार देता है। मैक्स बस
चुपचाप कोने में बैठकर रोती रहती है। अब ना ही मैक्स पावर यूज करेगी और ना कभी आर्केडिया बे में तूफान आएगा। जैसा कि क्लोई ने खुद ही कहा था कि आर्केडिया बे में और भी लोग हैं जिनकी जिंदगी उसकी जिंदगी से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैक्स के इस एक्शन से फ्यूचर चेंज हो जाता है। निधन को पकड़ लिया जाता है और वो जेफरसन की भी पोल खोल देता है, जिससे जेफरसन भी जेल जाता है। क्लोई के पेरेंट्स काफी दुखी होते हैं। अब मैक्स के पास कोई फ्रेंड नहीं है, बस उसके पास फोटोज हैं और मेमोरीज हैं क्लोई की। आर्केडिया बे में कोई तूफान नहीं है, खुला आसमान है, सूरज चमक रहा है, आर्केडिया बे बिल्कुल सेफ है। क्लोई का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ स्कूल और आर्केडिया बे के सभी बेस्ट फ्रेंड क्लोई को फाइनल गुड बाय कहने आते हैं। यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बाकी लोग हैं, क्लोई के मॉम, डैड, फ्रैंक, वॉरेन, इन सब ने बस एक ही टाइमलाइन को जिया है, जिसमें क्लोई को नेथन ने मार दिया है। पर मैक्स तो सब जानती है, जाने कितनी बार कितनी टाइमलाइंस में मैक्स ने क्लोई को बचाया है, उसके साथ इतना सारा अच्छा टाइम बिताया और एंड में अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ देखते हुए भी कुछ ना कर सके। मैक्स जो दर्द फील कर रही होगी वो सिर्फ मैक्स ही जानती है। और पता नहीं मैक्स इतना दर्द अपने सीने में छुपा कर जिंदा कैसे है। लाइफ कितनी स्ट्रेंज है ना, जिसको हम हर टाइम बचाते रहे उसको आखिर में अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखना पड़ता है। शायद इसीलिए इस गेम का नाम लाइफ इज स्ट्रेंज है। खैर छोड़िए, तो ये थी लाइफ इज स्ट्रेंज की कहानी जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। माफ करना वीडियो लंबा है, पर इस बढ़िया स्टोरी में से मैं कुछ चीज मिस नहीं करना चाहता था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं। बाय बाय एंड टेक केयर।